Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to your favorite YouTube channel, Educational Hikes. तो यार अगर आप क्लास 8, 9th या 10th में हो तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेशनल लेवल फ्री टेस्ट की। जी हाँ, ध्यान देना, फ्री टेस्ट की, जो कि अनअकैडमी करा रही है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी ओलंपियन की, जो कि अनअकैडमी करा रही है। अनअकैडमी का जो फाउंडेशन और एनटीएससी का जो कैटेगरी है वो ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है। फ्री टेस्ट सीरीज है ये पूरा, एनटीएससी के लिए, एनएससी, जेएस के लिए और पीआरएमओ के लिए। अब जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि एनटीएससी और एनएससी, जेएस, पीआरएमओ है क्या, मैं उन्हें बता दूं कि सिंपली ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसे पास आउट करने के बाद आपको गवर्नमेंट आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देती है। सोचो आप कितना अच्छा होगा कि आपके आगे की पढ़ाई गवर्नमेंट बियर करे, कितना अच्छा होगा कि आपके पेरेंट्स के ऊपर से बर्डन कम होगा आपके फीस का। तो जी हां, अगर आप इस एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ के फ्री टेस्ट सीरीज जो अनअकैडमी करा रही है, जो अनअकैडमी हेल्ड कर रही है, इसके बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना यार। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन सिलेबस की बात करेंगे, किस डेट को एग्जाम होने वाला है, इससे अपन को फायदा क्या है और कैसे हम इनरोल कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार कि आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है इस फ्री टेस्ट देने के बाद आपको मिलेगा क्या। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं यार कि आपको अगर कहीं भी नॉलेज फ्री में मिल रही हो ना तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस ओलंपियाड का यही है कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं, जैसे एलन हो गया, रेजोनेंस हो गया, वो क्या करते हैं यार, वो आपसे पैसे लेते हैं, फिर ऐसे फ्री टेस्ट सीरीज देते हैं जिससे आप अपना नेशनल लेवल पर अपने नॉलेज को टेस्ट करते हो कि हां मैं बाकी बच्चों से कौन से रैंक पर हूं, मेरा नॉलेज कहां पर है। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे दिए आपको ये चेक करना है कि आप किस लेवल पर हो, आपका नॉलेज क्या है, तो आप इस एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ का जो ओलंपियन होने वाला है 23rd ऑफ अगस्त को, उसको जरूर दीजिएगा। इसका पूरा डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना यार। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो अनअकैडमी की फाउंडेशन और एनटीएससी की कैटेगरी है वो ये फ्री टेस्ट कंडक्ट करा रही है 23rd ऑफ अगस्त को। इसमें तीन एग्जाम्स होंगे, एक तो एनटीएससी का एग्जाम होगा। एनटीएससी अगर नहीं पता है तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम है ये, इसमें स्कॉलरशिप, ये तीनों एक्चुअली स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसको पास आउट करने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलता है। एनएससी, जेएस, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, और पीआरएमओ हो गया हमारा प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। ठीक है, इन तीनों टेस्ट के सिलेबस क्या है, टाइमिंग क्या है, हम अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भैया डेट क्या है, कौन से डेट को एग्जाम होने वाली है और टाइमिंग कौन सी है। तो एनएससी, जेएस का जो एग्जाम होने वाला है और पीआरएमओ, एनटीएससी, ये तीनों एग्जाम सेम डेट 23rd ऑफ अगस्त को है। जी हाँ, इसी 23rd ऑफ अगस्त को 2020 में, दैट मीन्स कि 4 दिन बाद आज से आपका एग्जाम है। आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या सिलेबस है, आप जान के एकदम चौंक जाओगे, तो वीडियो को पूरा देखना यार, बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनएससी, जेएस का एग्जाम होगा 9 बजे सुबह, पीआरएमओ का एग्जाम होगा 12 बजे दोपहर को, और 3 बजे एग्जाम होगा आपका एनटीएससी का, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, अब टाइमिंग अपन को पता चल गई। अब सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन आता है कि भैया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे इन तीनों टेस्ट में और कितने मार्क्स के रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो एनटीएससी की है, जो एनटीएससी का जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चंस। फिर से जानो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 और मार्क्स होगा आपका एक नंबर का एक क्वेश्चन, दैट मींस कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, समझ में आया। चलो, अब पीआरएमओ का जो टेस्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30 और कैसे मार्क्स इसमें डिवाइड हुए ये देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 आपका 3 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 22 to क्वेश्चन नंबर 30 आपका 5 नंबर का होगा। दैट मींस अगर हम टोटल इन तीन
इन 30 क्वेश्चंस की बात करें तो इन 30 क्वेश्चंस 102 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम NSCJS की बात करते हैं। NSCJS आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 70, जिसमें से जो 60 क्वेश्चंस है वो 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स ईच, एंड जो 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो 6 मार्क्स ईच। गॉट इट? चलो फिर से बता दूं, NSCJS में टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स होंगे आपके 240, जिसमें से जो 10 क्वेश्चंस है वो 6 मार्क्स ईच और 60 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। कहीं भी किसी भी तरीके का निगेटिव मार्किंग नहीं है एक्सेप्ट NSCJS वाली कैटेगरी में। NSCJS में आप जो देख पा रहे हो, ये जो 60 क्वेश्चंस है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 दिख रहे हैं आपको, इसमें जो आपके जो 3 मार्क्स ईच आपके सही करने पर, अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको 3 नंबर प्लस में मिलेंगे, और अगर आपका नंबर गलत हो, आपका जो आंसर होता है वो गलत होता है, तो 1 नंबर आपके गलत आंसर के लिए काट लिया जाएगा। दैट मींस 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आई थिंक आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता ही चल गए होंगे। सिलेबस की बात करते हैं कि भैया हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, क्या क्या आते हैं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है यार कि जो आप क्लास 8, 9 और 10th में पढ़ रहे हो वही आने वाला है, और सेम चैप्टर्स वही आपको देखने को मिलेंगे। हम इन चैप्टर्स की बात करते हैं। इन चैप्टर्स को आपने अपने बुक में देखा होगा, पढ़ा होगा। सबसे पहले NTSC के सिलेबस की बात करेंगे, जो 3 बजे आपका एग्जाम है, 3 बजे एग्जाम है 23rd of August को NTSC का, उसका सिलेबस है ये। कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाएंगे? मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और SST। मैथ्स में 3 चैप्टर से आएंगे, जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, नंबर थ्योरी और प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आता है ना, APGP। ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस हमारे मैथ में इन 3 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th एंड 10th में आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम सेम आपके क्लास 9th और 10th के केमिस्ट्री का सिलेबस है ये। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये 3 चैप्टर आपके केमिस्ट्री से आ रहे हैं NTSC में। बायोलॉजी में आपके लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। हेरिडिटरी, आर एनवायरनमेंट, सेल हेल्थ एंड डिजीजेस, इन पर्टिकुलर 4 टॉपिक्स से आपके बायोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ फिजिक्स में 2 टॉपिक आने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। SST में टोटल आपके 5 चैप्टर्स से, 5 टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। पहला नेशनलिज्म इन यूरोप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया कैसे फ्री हुआ। ठीक है, कौन कौन से मूवमेंट लॉन्च हुए इंडिया को फ्री करने में, कौन कौन से रिवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट एंड चार्टर एक्ट, इंडिया साइज, लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें ज्योग्राफी का है। SST में ज्योग्राफी का जो पोर्शन आता है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो इन 4 टॉपिक्स से आपके SST में क्वेश्चंस आने वाले हैं। नाउ अब हम देखते हैं NSCJS नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर साइंस। जूनियर साइंस इसका नाम है, दैट मीन्स की PCM। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCMB से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स में से आपको मोशन और NLM 2 टॉपिक है। केमिस्ट्री में आपका मोल कॉन्सेप्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स। देख पा रहे हो आप कि जो NTSC में जो जिन चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम क्वेश्चंस, सेम चैप्टर आपके NSCJS में इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली सेम टॉपिक इंक्लूड किया गया है, क्वेश्चंस आपके अलग होंगे। ठीक है, बायोलॉजी से सेल एंड सेल डिविजन, ठीक है, हेल्थ एंड डिजीजेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इन 3 टॉपिक से आपके NSCJS में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ मैथ्स में आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन, नंबर थ्योरी और प्रोग्रेशन, वही 3 टॉपिक जो आपके NTSC में पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे PRMO का क्वेश्चन है वो आपके कोर्स से, ये एक्चुअली मैथमेटिकल ओलंपियाड है, तो मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आपको यार आपको प्रिपेयर करना हो, अगर आपको इनरोल करना है इस ओलंपियाड में, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा यार, इनरोल करूंगा, इनरोल लिखा रहेगा और डैश करके मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करना,
इनरोल के ऑप्शन पे जाना, अपना मोबाइल नंबर डालना, अपना स्टेट चूज करना, आप कौन से स्टेट में हो, आप इनरोल हो जाओगे। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर आपको प्रिपरेशन करनी हो तो यार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जा रही है इस ओलंपियाड की अनएकेडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आई होप यार कि ये जो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज मिल रहा है ये आप जरूर गेन करोगे, और अपना जो आपका जो लेबल है आप उसको जरूर चेक करोगे इस ओलंपियाड में हिस्सा लेके। तो एनरोल करिए और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे जाके आप क्या कर सकते हो, इन जो ओलंपियाड हैं होने वाले आपके 23rd ऑफ अगस्त को, इसकी जो फ्री क्लासेस हैं आप ले सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो यार थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और बहुत कम टाइम है यार, जितने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।